अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैंने बनाए हैं करेला कीमा फिर से, लेकिन अफसोस के साथ मैं बना ना सकी। तो ये बना है कीमा, ये तो सिंपल सभी लोग कीमा बना लेते, बहुत ही मज़े का होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने बनाया फ्रेश करेलों में, मैंने ये सब भर के, और इससे पहले मैंने फ्राई करा है। फ्राई करने के बाद इसमें मैंने मसाले ऐड करे हैं थोड़े से, ताकि ये खूबसूरत सजे। और अभी ना गलाने के लिए ना मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि ये थोड़ा भुना भुना हो गया तो ज़्यादा जल ना जाए, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी मैं, साइडों में डाल लूँगी ताकि ये 2-3 मिनट पक लें, ताकि नरम हो जाए केले। ये जो है अपने करेले करेले और केले में क्या करता था, यूज़ करते हो कड़ गए तो नीचे से, तो ये अच्छा ठीक। अभी ये पकेंगे, मैं इन्हें ढकेंगे 5 मिनट के लिए जी। अब देखो इसको ना जाए नहीं जाना है, तो ये मुझे कह रही मुझे चिकन चाहिए। अब मैं इसको एयर फ्राई में बना दूँगी। हैं कहाँ है चिकन? चिकन तो नानी ने बनाए होंगे। तो भाई करेला बना रहा है, कड़वी कड़वी करेला खाओगी? करेला नहीं खाओगी? खा लो, बस इसे मैं ढकने वाली हूँ। क्या चाहिए आपको? ओके, अभी तो मैंने कीमा बनाया है, ये देखिए कीमा बनाया है। तो कीमा बहुत मज़े का है वैसे, हरी मिर्ची डाली मैंने बहुत सारी, बस इसे 5 मिनट पक जाएगा तो करेले रेडी हो जाएंगे। इस बार आर्या ने कराया है मुझे तंग, और करेले खाने के बाद चिकन चाहिए से। अभी मैं दे रही हूँ आपको निकाल के। इसमें क्या रखा है? ओह इसमें तो छोले चावल रखे हैं, लेकिन अभी हम बनाएंगे ये करेले का काम कर रहे हैं। आपने कहा है करेले पकाओ, तो मैं करेले पका रही हूँ। बहुत ही मज़े के हैं ये, मसाला बहुत हल्का हल्का रखा है क्योंकि इसी में इतना सारा कीमा भरा हुआ है, तो ये बहुत ही टेस्टी होने वाले हैं। बस इसमें लेमन और ऐड कर दूंगी ऊपर से, चाहो तो भुनने के बाद डाल लें अपनी मर्ज़ी से, कोई नहीं खाता भाई खट्टा दांतों में लगता है ना। यंग लोग तो खैर खा लेते, मुझे तो बहुत पसंद है करेले और कीमा, और इस तरह के भरे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, और खाना चाहिए कड़वा कभी कभी, साल में 1-2 बार 3 बार 5 बार, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर जो लोग ज़्यादा ही करेलों के जूस पीते हैं ना, उनको ना वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसे, फालिज, फालिज का असर हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा कड़वा भी खाते हैं ना, उससे भी फालिज हो जाता है, तो फालिज होने का ख़तरा है। तो ज़्यादा करेलों के जूस वूस पीने की ज़रूरत नहीं, करेले पका के खाओ वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है थोड़ा लोग चीज़ों के साथ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, ऐसे ही बना लें, आजकल करेलों का सीज़न आया हुआ है तो खाएँ, जब सीज़न हो तभी खाएँ, वैसे मत खाएँ। और देखें ऑयल कितना छोटा छोटा है, लेकिन ये ऑयल नहीं है, ये थोड़ा पानी है, ये गल रहे हैं, गलने के बाद जो है ना फिर ये निकाले जाएंगे भुने भुने एकदम। अब देखिए माशाल्लाह ये छनमुन छनमुन बहुत हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मछलियाँ लग रही हैं। थोड़ी देर में हम इसे डिश आउट करने वाले हैं।